Another study point. Today we are here to study about Euler's theory. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपने इसका first case discuss कर दिया था, अब इस वीडियो में हम लोग इसका second case पढ़ने वाले हैं, जो कि है कि जिसमें one end हमारा fixed होता है और second end हमारा free होता है. क्लियर? कि अब जैसे मैंने last वीडियो में अपनी बताया था कि जब दोनों end pinned होते हैं, तब हम लोग उसका लोड कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम लोड कैसे निकालते हैं. ठीक है, अब हम इसमें एक एंड फिक्स है अगर और दूसरा फ्री है, तब इसमें लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग एक एंड हम लोग को फिक्स करना है, ठीक है, फिक्स हो गया. इसमें कॉलम में हमें जस्ट इस तरह मूव करा दिया, तो अगर इसकी बात करी जाए, अगर तो ये डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं वाई है, जो डिफ्लेक्शन हुआ है, ये डिस्टेंस हम लोग ए मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा कोई भी पी लोड एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो और इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं, जो वाई है इसी एक्स डिस्टेंस पे है, और कॉलम की लेंथ हमारी एल. ठीक है, अब ये एंड हमारा, देखिए कि ये एंड हमारा फ्री है और इस वाला हमारा एंड फिक्स है. ठीक है, तो अब हम इसमें बात करते हैं. जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में करा था कि सबसे पहले हम लोग मूवमेंट इक्वेशन लिखते हैं, तो इसमें भी सेम मूवमेंट इक्वेशन लिखेंगे. एम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लोड P लग रहा है, लेकिन इस पर डिस्टेंस कितना होगा, देखो A इतना डिस्टेंस है, ठीक है, और Y इतना डिस्टेंस है, तो लोड से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो A माइनस Y, क्योंकि हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, A माइनस Y, अगर A में से हम Y माइनस कर दें तभी तो इतना डिस्टेंस बचेगा हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए माइनस वाई. क्लियर, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. उसके बाद हम जानते हैं कि एम हमारा ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, अब इस अगर ये एम इसकी किसके इक्वल है, और इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, जैसे पुट एन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं. ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए माइनस वाई. अगर अब हमने जैसे हमने लास्ट में करा था, लास्ट वीडियो में, कि ई आई का वो सॉरी डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का ऑप्शन हमें तो वन बनाना है, तो सिंपली इसमें भी हम ई आई से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन में ई आई इंटू में ए माइनस पी अपॉन में ई आई इंटू में वाई. इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब y वाले टर्म को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन में ई आई इंटू में वाई इज इक्वल टू पी ए अपॉन में ई आई. अगेन अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारी फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. Then it's a solution. इसका solution क्या होगा? इसका simply solution होगा y is equal to c1 cos x root p upon में ei plus c2 sin x root p upon में ei. क्लियर? ये simply plus a. इसका solution हमारा ये होगा. अब ये तो हमारा सॉल्यूशन नहीं है फाइनली, क्योंकि हमें तो इसमें लोड कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू, यहाँ से हमारी पी की वैल्यू नहीं आई है, तो इसमें हम लोग वाई की वैल्यू अब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसमें तो हमें पी की वैल्यू मिलेगी. देखिए देखते कैसे करते हैं. देखिए, तो सिंपली फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वहां पे वाई की वैल्यू भी जीरो होगी. इसकी फर्स्ट कंडीशन देखिए कैसे होगा. एक मिनट देखिए, अगर x की वैल्यू जीरो कर दूं, मतलब ये डिस्टेंस हमारा कुछ यहाँ हो गया, अगर ये डिस्टेंस हमारा यहाँ हो गया तो डिफ्लेक्शन भी बाई धीरे धीरे यहाँ पे जीरो हो जाएगा. अगर यहाँ पे x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू जीरो. क्लियर, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और y की वैल्यू जीरो हो जाएगी. देन अब इस इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देते हैं सिंपली, तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें कि c1 cos x की वैल्यू हमें जीरो रखनी है, जीरो रूट p अपॉन में ई आई प्लस सी टू साइन जीरो रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि y की वैल्यू तुम्हारी जीरो है. क्लियर,
अब यहाँ पे अगर देखा जाए साइन जीरो की वैल्यू हमारी जीरो होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होके होल टर्म हमारा जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा टर्म टेंड्स टू जीरो, क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें तो कॉस जीरो कितना होता है हमारा वन होता है, तो यहाँ से हमें सिंपली पता चल गया, सॉरी यहाँ पे प्लस ए भी तो है इसके साथ हमारा, प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हमारा सी वन, ये पूरा हमारा टर्म जो है वन बन जाएगा, तो सी वन प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो सी वन की वैल्यू यहाँ से हमारी माइनस ए सिंपली कैलकुलेट होके आ गई है, क्लियर। आप अगर हम इसमें सेकंड कंडीशन की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा, सिंपली देखिए अगर सेकंड कंडीशन में हम बात करें तो अगर हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो रखे तो वहां पे dy / dx भी तो जीरो होगा, देखते हैं कैसे। देखिए जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू जीरो कर दूं, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ तो इसका स्लोप भी तो हमारा जीरो हो जाएगा, अगर हमारे इसमें स्लोप हमारा जीरो हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dy / dx भी इसका जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट पे dy / dx मतलब इसका एंगल जो है, इसका स्लोप जो है वो भी तो हमारा जीरो है, अगर वो हमारा जीरो है तो हम ये कंडीशन ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम पुट करते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कि यहाँ से हम लोगों को सिंपली कैलकुलेट करके मिल जाएगा कि y की वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग dy / dx कैलकुलेट कर लेते हैं। अब dy / dx देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है, dy / dx निकालने के लिए c1 cos x, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, इसका सिंपली हो जाएगा c1 cos x का हमारा sin x रूट p / में ei इनटू में माइनस, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम x रूट pi / e का करें तो रूट p / में ei, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम देखा जाए तो अब इसका हमारा फर्स्ट टर्म का हो चुका है प्लस c2 cos x इनटू में रूट पी अपॉन ई आई, बाय चेन रूल अगर हम इसका आगे वाला है करते हैं एक्स रूट पी अपॉन आई तो इसका हमारा आ जाएगा रूट पी अपॉन में ई आई, ठीक है। अब प्लस ए जो है उसका कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अब तो देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें हमारी पहले से ही सी वन की वैल्यू जीरो आ चुकी है और एक्स की वैल्यू हमें जीरो पुट करनी है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो इसमें पुट करें तो देखिए साइन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, जीरो से मल्टीप्लाई होकर अगर ये टर्म साइन ये पूरा जीरो हो गया तो पूरा टर्म स्टैंड्स टू जीरो, अगर ये पूरा टर्म अगर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास सिंपली ये टर्म बचेगा। अब इस टर्म की बात करिए तो क्या हुआ, सी टू कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो, तो जीरो रूट पी अपॉन में ई आई इंटू में रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारी जीरो। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉस जीरो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो इसका एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करिए तो क्या बचेगा, ये सी टू कॉस, सॉरी कॉस तो वन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बचेगा सी टू रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए इसमें इन दोनों में से किसी एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा, या तो सी टू जीरो होगा नहीं तो रूट पी अपॉन ई आई जीरो होगा। अब अगर ध्यान से देखा है p हमारा रियल में क्या था, p हमारा लोड था जिसकी वजह से हमारे कॉलम में डिफ्लेक्शन आ रहा था, तो p की वैल्यू तो जीरो हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर एक्सटर्नल लोडिंग ही जीरो हो गई, जस्ट इमेजिन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, अगर एक्सटर्नल लोडिंग ही जीरो हो गई तो वहां डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, और डिफ्लेक्शन ही अगर नहीं होगा तो हमारा पूरा डेरिवेशन तो बेकार हो गया, क्योंकि जब वहां कोई लोड ही नहीं है तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो यहां से एक ही पॉसिबिलिटीज बचती है कि अगर हम यहां पे c2 की वैल्यू जीरो कर दें। अब ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास c1 c2 दोनों कांस्टेंट आ चुके हैं हमारे, ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करें क्योंकि अभी भी हमारी p की वैल्यू नहीं आई है तो हमारे पास एक कंडीशन बची हुई है, देखिए कौन सी कंडीशन बची हुई है इसमें हमारे पास, सिंपली अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन बची है इसकी कि अगर देखा जाए इसकी सी कंडीशन क्या है कि अगर हम x की वैल्यू l रख दें, अगर x की वैल्यू हम l रख दें मतलब x को हमने बढ़ा के यहाँ तक कर दिया, इतना कर दिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, अगर x इतना हो गया तो y की वैल्यू a के बराबर, क्लियर। तो x इज इक्वल टू a पे क्या होगा, y इज इक्वल टू a, इज इट क्लियर, ठीक है, हाँ क्लियर। तो x इज इक्वल टू अगर l है तो y इज इक्वल टू a है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू c1 cos x root p upon में ei
प्लस सी टू साइन एक्स रूट पी अपॉन में ई आई प्लस ए। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी हमारी, ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंट की वैल्यू हमारी माइनस ए आई थी, इसमें पुट करते हैं तो माइनस ए कॉस एक्स की वैल्यू में एल पुट करनी है, तो एल रूट पी अपॉन में ई आई प्लस सी टू साइन एल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन एल। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, एक सेकेंड बताते हैं, रूट पी अपॉन में ई आई प्लस ए इज इक्वल टू एक एक बल है, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पे ए है। अब जरा इसमें देखा जाए, सी टू की वैल्यू हमारी क्या थी, जीरो, तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये टर्म टेंड्स टू जीरो। अगर ये टर्म हमारा जीरो के इक्वल जाता है तो क्या होगा, देखिए, तो हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एल रूट पी अपॉन में ई आई प्लस ए, क्लियर। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ए यहाँ से कॉमन आ रहा है, ए कॉमन यहाँ पे वाला वन माइनस कॉस एल रूट पी अपॉन में ई आई, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हुआ, ये ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एल रूट पी अपॉन में ई आई, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो वन से वन भी कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एल रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है, कॉस की वैल्यू जीरो पाई बाय टू पे होती है, ठीक है, थ्री पाई बाय टू पे होती है, इस तरह जनरली आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे पाई बाय टू लेके सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, इसकी वैल्यू पाई बाय टू लेके, तो क्या हो जाएगा, एल रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू पाई बाय टू हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो जीरो होती है कॉस की वैल्यू, वो कॉस पाई बाय टू पे होती है, वहां से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे एल रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू पाई बाय टू सिंपली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आता है, हम इसको सॉल्व करना है, तो रूट पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू पाई बाय टू एल सिंपली आ जाएगा। हमें तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इसमें स्क्वायरिंग करें तो क्या आएगा, पी अपॉन में ई आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में फोर एल स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर फोर, एल का स्क्वायर वो एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर पी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में फोर एल स्क्वायर, यही हमारा इसका सेकेंड लोड का फॉर्मूला है, दैट्स इट। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दैट्स इट।